थिंक जो दो सिस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कभी लड़ाइयाँ फेक भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है वो तो कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा है। शिवा शीश काफ़ी शो ऑफ करते हैं। मेरे ख्याल से श्रीसंत बिल्कुल फेक नहीं है, वो उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं, अगर मतलब दिल से कर रहे हैं वो जो भी कर रहे हैं। तो या सो पावर प्ले कंटेस्टेंट कौन है आपके नज़र से एकदम स्ट्रॉन्ग और यू नो है भाई मैं दीपिका। अच्छा लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे, आपको बहुत मिस करते हैं वो। मैं अभी फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत चीज़ें पाइपलाइन में हैं, डेफिनेटली आप मुझे फिर से स्क्रीन में देखेंगे, ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ अभी आज मैं एक म्यूज़िक एल्बम शूट करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई होप कि आपको ये पसंद आए, मेरी पहली म्यूज़िक एल्बम होने वाली है ये। जी 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 एक्चुअली ये बिल्कुल मेरे टाइप का गाना है, मुझे स्लो रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत पसंद है जैसे कि बॉलीवुड में चलते हैं, तो वैसे ही गाना है वीनस कंपनी जो है म्यूज़िक की, दे कमिंग अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट, तो उनकी ये एल्बम है और बहुत मज़ेदार है, बहुत ग्रैंड तरह से हम शूट कर रहे हैं, 3 दिन का शूट है आज यहाँ पे क्लब में शूट हो रहा है, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि आप देख भी सकते हैं। रोमांटिक होने वाला है, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग है। जी हाँ मुझे स्लो रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है जो इमोशनल होते हैं, तो वैसे ही है कि इसकी एक लाइन बता सकते हो, जी रहा हूँ मैं, तो जैसे वो था ना सुन रहा है ना तू, उस तरह से थोड़ा इमोशनल वैसा है, थोड़ा सा स्टोरी बहुत अच्छी शूट होने कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे ही आई एम श्योर आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे देखने के बाद। लास्टली मैं फैंस को क्या कहूँगी। बोल दिया फैंस को ही तो बोला ये।